हेलो ऑल, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो कैटेगरी है आपकी नॉन कन्वेंशनल में, जैसे इलेक्ट्रो थर्मल था, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वो क्लासिफिकेशन है, तो उन इलेक्ट्रोकेमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। तो उसमें हम ECM जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्लासिफिकेशन के अंदर ये आता है, और ये एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है जिसको हम थोड़ा डिटेल में आज देखेंगे। तो जनरली वैसे ये इसकी फिनिशिंग जब बहुत हाई एक्यूरेसी और बहुत अच्छी फिनिशिंग हमें चाहिए होती है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो और जनरली जब मटेरियल बहुत हार्ड हो, जब उसकी स्ट्रेंथ, टफनेस या हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो, और तो उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी हार्ड हो, कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी टफनेस उसकी ज़्यादा हो, उस मटेरियल को आप इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से मशीन कर सकते हैं और बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की फिनिश आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सरफेस फिनिश टॉलरेंस भी आप बहुत अच्छी अचीव कर सकते हैं। तो वैसे इसका जो प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिपेंड करता है। तो इसने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिंसिपल फॉलो किया है, और जिसमें कि जो कि रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो जैसे आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि आप एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं NaCl प्लस वाटर का, या कोई भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हैं विद वाटर, ठीक है। तो उसका मिक्सर लेते हैं, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, एक और इसे एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। तो मान लीजिए यहाँ जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये आपका हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो आप इसमें क्या करते थे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में आप एक इलेक्ट्रोड पे कोटिंग करते थे, तो एक से आयनिक लेवल पे मटेरियल जो एटॉमिक लेवल पे आयनिक लेवल पे जाके डिपॉजिट होता था, तो वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग उसमें डिपोजिशन कराते थे। हम इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, यानी कि हम एक इलेक्ट्रोड से मटेरियल को रिमूव करेंगे। मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रोड है अब, और वो इलेक्ट्रोड जो होगा वो हमारा एनोड होगा, जिससे हमें मटेरियल रिमूव करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एनोड है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और कैथोड जो है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो जनरली हमारा जो कैथोड होगा वो हम टूल रखेंगे, टूल को कैथोड पे रखेंगे, और एनोड पे हम रखेंगे वर्कपीस को। और वर्कपीस इस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या हुआ, डिपोजिशन की जगह हम उसमें से मटेरियल को रिमूव करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कहलाएगा। तो जो इलेक्ट्रोड आपका एनोड पे रखा है उससे मटेरियल रिमूव होगा एट एटॉमिक लेवल। तो वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं, वही फंडामेंटल हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में यूज किया है, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ बताई हुई है। और जैसा आप वर्क टूल का प्रोफाइल रखेंगे, मान लीजिए जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है टूल और वर्कपीस, एक को नेगेटिव टर्मिनल दे दिया है, कनेक्ट कर दिया टूल को, और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस से कनेक्ट कर दिया, यानी वर्कपीस आपका एनोड है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका टूल का जो प्रोफाइल है, मान लीजिए ये प्रोफाइल आपको दिख रहा है, एक कर्व आपका आया हुआ है, वही प्रोफाइल आपका वर्कपीस पे जनरेट हो जाएगा जब हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में एग्जैक्ट रेप्लिका बनता है वर्कपीस पे, जो टूल का आपका प्रोफाइल होता है उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका आपका वर्कपीस पे जनरेट होता है। और जैसा आपका टूल का प्रोफाइल की क्वालिटी होगी, मान लीजिए सरफेस फिनिश और जो इसकी प्रिसीजन होगी, वो वर्कपीस पे जो प्रोड्यूस होगा उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन पूरा टूल के सरफेस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना सरफेस का क्वालिटी अच्छा होगा टूल का, उतना ही वर्कपीस की प्रोफाइल भी उतनी अच्छी उसकी मशीनिंग होगी, वर्कपीस पे भी जो सरफेस जनरेशन होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो ये इसका बेसिक है, और इसमें जनरली आपको मैं एक एक करके बताता जाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो थोड़ा सा डीप में लेके चलता हूँ किस तरह से इसका प्रोसेस कैरी आउट होता है। तो हम जैसे एक कंटेनर लेते हैं, मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका सॉलिड कंडक्टर सॉलिड मटेरियल है, तो कंडक्टिव मेटल है जैसे, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो होते हैं और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में करंट जो प्रोड्यूस होगा वो आपका ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होगा। तो यानी आपके एटम्स जब ग्रुप ऑफ एटम्स मूव करेंगे, और एटम कैसे फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस करेंगे कि अगर मैं एक एटम से इलेक्ट्रॉन मूव निकाल दूं तो वो पॉजिटिव कैटायन कहलाएगा। अगर ये एटम है तो एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये पॉजिटिव आयन कहला जाएगा। अगर मैं उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं
तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो फिर एनायन कहलाने लगता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो एनायन कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये जो एटम है एनायन और पॉजिटिव एनायन और नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट हो गया, तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें, फ्लो ऑफ करंट जो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट में, वो इन कैटायन और एनायन की वजह से होगा। जब ये कैटायन और एनायन मूव करेंगे उनकी वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपका फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉन्सेप्ट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह से आपका फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो एनायन की मूवमेंट की वजह से होगा। तो ये कंटेनर हमने लिया, इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो मैं जनरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन में एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो पावर सप्लाई है मेरा, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा ये पावर सप्लाई है, इसका एक टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया है आपका एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि नेगेटिव है, और मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, और इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर फ्लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल के। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम कैथोड कहते हैं, तो मैं यहाँ सी लिख देता हूँ, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉड है वो कैथोड है और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉड है वो एनोड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉड वो एनोड हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैथोड पे हमारे ज़्यादा होंगे। अब हम जो जनरली इसमें मटेरियल रिमूव करेंगे वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हमने NaCl लिया हुआ है, ठीक है, और विद वाटर है, NaCl विद वाटर, तो इसका जो सॉल्यूशन है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम इस पावर सप्लाई बैटरी से सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे इस बैटरी के थ्रू, तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस जो रखते हैं हम बहुत कम रखते हैं, लो वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो जनरली 10 वोल्ट हम सप्लाई करते हैं, आप 10 टू 25 वोल्ट मान लीजिए, जनरली 10 वोल्ट तक ही हम 10 से 25 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है, वरना आप 10 वोल्ट मान के चलिए, 10 टू 15 वोल्ट्स, 10 टू 25 वोल्ट मान लीजिए। और जब हम ये लो वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे और करंट जो आपका जो होगा वो जनरली हम रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो 40,000 एम्पीयर के आसपास आप इतना करंट पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो वेरी हाई करंट एंड लो वोल्टेज सप्लाई थ्रू दिस पावर सप्लाई। जब पावर सप्लाई से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा इस इलेक्ट्रोड के पास आएगा, मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे आयरन के हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आयरन है, ये भी आयरन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव टर्मिनल से, आपको क्योंकि पता है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेगा। अब क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो NaCl और वाटर है, तो सबसे पहले तो ये NaCl जब वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, NaCl जो होगा इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो NaCl जो आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मान लीजिए ये आपका NaCl है, ये आपका NaCl में टूट गया, ठीक है, और एक Cl नेगेटिव आपका आयन क्रिएट हो गया, दूसरा आपका वाटर जो था वो भी डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो आप देख रहे होंगे ये रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन, तो आपका H पॉजिटिव आयन भी बन गया, ठीक है, तो और OH नेगेटिव आयन भी जनरेट हो गया डिसोसिएट होने की वजह से। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ जो पॉजिटिव आयन है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो क्योंकि ये आयरन है जो ये एनोड है, तो इस जो एनोड के पास है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके पास नेगेटिव आयंस आपके आना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मान लेते हैं ये एच पॉजिटिव आयन ये इधर आने लगेगा और इसके पास अट्रैक्ट होने लगेगा, तो होगा क्या, जब एच पॉजिटिव इसके पास पहुंच जाएगा तो क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इस एच पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा, जैसे आपका H पॉजिटिव आया तो दो H पॉजिटिव आयंस आ गए, उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करें और आपका वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन गैस में, और वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे जनरेट होती है, ठीक है, और इसके आसपास से जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी
बबल के फॉर्म में निकलना शुरू कर देंगे एट कैथोड। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये तीन रिएक्शन आपके हो चुके हैं जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये फॉलोइंग रिएक्शन हो गए। अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आपके यूज हुए एच पॉजिटिव को मिले, तो जनरली यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या हुआ है, एक लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट हो गया। तो इट क्रिएट्स ए लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, ये जो आयरन है जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड है वहां से वो आयरन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में दे देता है। तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आयरन है वो इट विल गेट डिसोसिएट लाइक दिस, आयरन विल चेंज डिसोसिएट इनटू Fe2 पॉजिटिव एंड इट विल गिव टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन मिला कैथोड पे एच पॉजिटिव को, टू एच पॉजिटिव को, तो यहाँ पे भी आपके दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से गए थे कैथोड से, तो आपके दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से एनोड वाले इलेक्ट्रोड से आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। पर आपका आयरन जो है वो अब डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से यूज हो जाएगा, रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो डिसोसिएट होगा तो Fe2 पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये Fe2 पॉजिटिव आयन जो क्रिएट होगा, अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोड एनोड जो है, एनोड इलेक्ट्रोड है और ये एक्चुअल में हमारा वर्क पीस है, इसी से हमें मटेरियल को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम जनरली मटेरियल रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि आयरन जो है वो डिसोसिएट होने लग रहा है, डिप्लीट हो रहा है आपका एनोड से, और यही हम चाहते थे मशीनिंग करने के लिए मटेरियल रिमूव। ये हमारा वर्क पीस है जिससे आयरन आयन्स के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया बाई लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और ये आयरन का जो आयन है Fe2 पॉजिटिव वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स में चला जाता है, खत्म होने लगता है धीरे धीरे रिमूव। और क्यों, और ये क्या करेगा Fe2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये एनोड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आयन्स आ ही रहे होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे आपके Cl नेगेटिव वो इस इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होंगे, ये भी इसके पास अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या होगा Fe2 पॉजिटिव जो होगा वो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका ये बैलेंस करने के इलेक्ट्रॉन को 2Cl हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया Fe पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव एंड इट विल फॉर्म FeCl2, और ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि हैवी होगा तो इलेक्ट्रोलाइट में नीचे यहाँ पे डिसोसिएट होकर सेटल हो जाएगा, तो FeCl2 बना लेगा। और फिर से सेम पॉजिटिव आयन है Fe2 पॉजिटिव, Cl अभी रिएक्ट कर चुका है, अब OH नेगेटिव भी आपका क्या था नेगेटिव आयन था, तो वो भी हो सकता है Fe2 पॉजिटिव के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाए और रिएक्ट कर जाए, तो आपका Fe2 पॉजिटिव भी OH नेगेटिव 2OH बैलेंस करने के लिए, मैं इसको तो साफ लिख देता हूँ, 2OH के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और Fe OH2 बना देगा, यानी आयरन हाइड्रोक्स है, तो आपका आयरन के साथ OH नेगेटिव आयन भी रिएक्ट कर सकता है और Cl नेगेटिव भी, तो Fe आयरन हाइड्रोक्साइड बन सकता है या फिर आयरन क्लोराइड, तो और ये दोनों के दोनों प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, ये एरो डाउनवर्ड इसलिए प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आपका सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये लास्ट में नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पिंक कलर जो है वो आपका आयरन हाइड्रोक्साइड है और जो येलो कलर था वो FeCl2 था, तो ये दोनों चीजें सेटल डाउन हो जाती है नीचे, जो कि आपका रह जाता है, नहीं तो वो क्या होता अगर नहीं सस्पेंड नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होता, तो ये Fe2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंचता और इसको इस पर डिपॉजिट होना शुरू कर देता, जो कि हम नहीं चाहते, तो वो नीचे ही हमने यहाँ प्रिसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन करा दिया। तो इस इलेक्ट्रोड से आपने देखा होगा एनोड से आपका आयरन जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, तो एनोड जो है आपका डिप्लीट होगा और यानी मटेरियल उसमें से रिमूव होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपका वर्क पीस को मशीनिंग होगी। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं मटेरियल रिमूव करने का, और ये फॉलोइंग रिएक्शंस हैं जो ये रिएक्शन होते हैं, ये मैंने आपको समझाया एक एक करके कि किस तरह से। अब कई बार क्या होगा, ये जो Na पॉजिटिव है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको और OH नेगेटिव है जो ये क्रिएट होगा डिसोसिएट होने की वजह से, NaCl और H2O के डिसोसिएट होने की वजह से OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव क्रिएट हुआ था, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो कई बार क्या होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी आपस में रिएक्ट करके NaOH बना देंगे, तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है Na पॉजिटिव विल रिएक्ट विद OH नेगेटिव बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और वो Na पॉजिटिव OH भी बना देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंट रिएक्शन है। और टूल जो है वो जनरली वेयर आउट, तो हमने यहाँ देखा टूल वेयर आउट नहीं हो रहा हमारा, कैथोड पे जो रखा टूल है हमारा, ये हमारा टूल है, ठीक है, तो ये हमारा कभी भी वेयर आउट नहीं होता, ये इसकी खासियत है। और टूल जनरली जो है वो आपका बहुत ही हाईली हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल का होता है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। और जो आपका इसका एक और सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट में यूज हो रहा है तो ये एंटी करोजिव होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो एंटी करोजिव होना चाहिए, क्योंकि आपका रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइट में रख रहे हो आप इलेक्ट्रोड को, तो वो करोजिव वाले एनवायरमेंट में रखा हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रोड जो हो, टूल जो हो, वो ऐसे मटेरियल का हो जो आपका एंटी करोजिव हो, एंटी करोजिव होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जनरली जो टूल का मटेरियल होता है वो कॉपर हम यूज करते हैं, ब्रास यूज करते हैं, टाइटेनियम, कॉपर टंगस्टन एंड स्टेनलेस स्टील, ये जनरली हम यूज करते हैं एज ए टूल मटेरियल। और कौन कौन से करते हैं, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम और टंगस्टन कार्बाइड भी हम यूज कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जनरली सोडियम या पोटेशियम बेस का होता है, तो ऐसे सोडियम या पोटेशियम बेस हम यूज कर सकते हैं। वर्क पीस जो है वो भी हम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव रखते हैं बहुत, कि आपका मटेरियल जो वर्क पीस का हो वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड ऑल्सो भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। टूल और वर्क पीस दोनों ही आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होने चाहिए, वेरी गुड कंडक्टर होने चाहिए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वर्क पीस को होल्ड करने के लिए जो वर्क पीस होल्डर होता है, वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस जो होता है, वो आपका नॉन कंडक्टिव होना चाहिए, लेकिन आपका वर्क पीस जो है वो आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए। तो इसकी मजबूरी क्या है कि आपका जो भी वर्क पीस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है सिर्फ उसी को आप मशीन कर सकते हो ECM से। तो ये बात पूरी ध्यान रखनी है हमने कि ECM नॉन कंडक्टिव मटेरियल जो होंगे, वर्क पीस जो होंगे, उसको मशीन नहीं कर सकता, आपका सिर्फ वो कंडक्टिव मटेरियल को ही मशीन कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज लास्ट में यहाँ रिएक्शन में डायग्राम में दिखाया है कि आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते, थोड़ा सा चेंज करके दिखाया है, ये कंटेनर लिया, एक फिल्टर लगा दिया, क्योंकि जब आपका प्रिसिपिटेट नीचे फॉर्म होगा तो वो फिल्टर करके बाकी इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो कराते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो फ्लो, अब यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है, साथ में पंप भी होता है, वो पंप यहाँ लगा हुआ है, पंप से हम फिर से इलेक्ट्रोलाइट को ऊपर ले जाते हैं टैंक कंटेनर में, इलेक्ट्रोलाइट टैंक में, और उसको कंटिन्यूसली नोजल के थ्रू टूल और वर्कपीस के बीच में फ्लो कराते रहते हैं, ठीक है। और दोनों टूल और वर्कपीस के बीच में कुछ गैप रखना होता है, हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, कुछ गैप इसके साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है कि इनके बीच में कुछ गैप रहे, और ये जितना वर्कपीस टूल के पास में रहेगा उतनी उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो होगी वो उतनी अच्छी होगी, और फिनिशिंग उतनी ही अच्छी मिलेगी, टॉलरेंस उतनी ही अच्छी होगी, जितना ये दूर होगा उतना उसका चांसेस कम होगा। तो जैसे मशीन करता जाएगा, टूल इसके साथ कॉन्टेक्ट को मेंटेन करके रखेगा, उसके लिए मैकेनिज्म बना रहता है, खैर अभी हम उसमें इतना नहीं जाएंगे। और आपका नोजल कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो करता रहेगा ताकि आपका स्मूथली ये काम होता रहे, और जो भी आपका प्रिसिपिटेट बन रहा है वो फ्लो आउट होके कंटेनर में नीचे ड्रॉप आउट होता रहे। तो इस तरह से ये काम करता है। वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यानी वर्कपीस आपका एनोड रहता है, टूल आपका कैथोड रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज मैंने यहाँ बताई है। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एप्लीकेशंस में क्या है, यही चीज को डायग्राम में किस तरह से बनाना है आपने वो यहाँ दिखा दिया है, वैसे मैंने सब आपको बता दिया है लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको डायग्राम। जैसे ये पावर सप्लाई है, वोल्ट मीटर दे दिया, एमीटर करंट नापने के लिए और वोल्ट मीटर चेक करने के लिए, तो 10-25 वोल्ट आप सप्लाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपका वो करंट जो है वो 40,000 एम्पेयर आप सप्लाई करते हैं, करंट शुड बी केप्ट एज हाई एज पॉसिबल, हाई करंट एंड लो वोल्टेज, वोल्टेज 10 वोल्ट मान लीजिए, 10 वोल्ट टू 25 वोल्ट। और आपका ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये टूल रखा हुआ है, जो कंसेंट्रिक होल है जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो करवा रहे हो, और ये वर्कपीस आपका रखा हुआ है, टूल और वर्कपीस के बीच में गैप रखा हुआ है, और ये फ्लो होता जा रहा है जब ऑपरेशन हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया, पावर सप्लाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वर्कपीस से रखा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपने टूल को कॉन्टेक्ट में रखा, और इनके बीच में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आपका मशीनिंग शुरू हो जाएगा। और ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने पूरा वर्कपीस और टूल डिप करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट आपका फ्लो होते हुए आएगा टूल के सेंटर से और अपने साथ फ्लश आउट करके ले जाएगा प्रिसिपिटेट को, ये कंटेनर में जाके इलेक्ट्रोलाइट कंटेन होल्ड होगा, फिर इसको फिल्टर करेंगे, वेरियस मेथड्स होंगे फिल्ट्रेशन के, फिल्टर करके आपका फिर से वो
दूसरे रिजर्वायर में आप इलेक्ट्रोलाइट को रखोगे, फिर पंप करोगे, पंप करके फिर हो जो भी चाहिए, अगर आपको फिर से दोबारा फिल्टर करने की जरूरत पड़े तो आप फिर से फिल्टर कर देंगे, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, पहले ही आप फिल्टर कर चुके हैं, फिर उसको सप्लाई करेंगे फिर से सेंटर के थ्रू, ताकि आप कैरी ऑन प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, तो यही चीज़ थी, ये मैंने पूरा डिटेल में पहले बता चुका हूँ आपको। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये टूल है, जैसे ये टूल है, ऊपर टूल के ऊपर वेरियस एक प्रोफाइल बना हुआ जो कि कैथोड आपको दिखा रहा है, और नीचे एक और इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है, जो कि आपका वर्क पीस है। तो ये आपका वर्क पीस है और ये आपका टूल। अब टूल के ऊपर आप देख रहे हैं प्रोफाइल बना हुआ, यही टूल हमें वर्क पीस के ऊपर एग्जैक्ट रेप्लिका बनेगा जब हम ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे। तो जब आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे 10 वोल्ट का पावर सप्लाई, और धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रोड पास में आता जाएगा कॉन्टेक्ट में, और इलेक्ट्रोलाइट आप बीच में फ्लो करवा ही जा रहे हैं, और जैसे ही आपका वोल्ट आप हाई करंट लो वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे, और वो कैरी आउट प्रोसेस को सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसकी वजह से आपका क्या होगा, मटेरियल रिमूव होना शुरू कर देगा एनोड से। तो आपका धीरे धीरे जैसे वर्क पीस पास आता जाएगा, सेम एग्जैक्ट वही प्रोफाइल देखिए कैसे जनरेट होता जा रहा है, जैसा कि आपका टूल पे प्रोफाइल था वही प्रोफाइल आपका धीरे धीरे वर्क पीस पे जनरेट हो गया, और इस तरह से आपकी मशीनिंग हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस एप्लीकेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस फॉलो आगे देखते हैं। तो ECM आपका कैन बी यूज टू मशीन डिस्क और टर्बाइन रोटर ब्लेड। टर्बाइन या डिस्क के रोटर ब्लेड को बनाने के लिए आप ECM का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर बहुत हाई फिनिशिंग की जरूरत होती है और हाई टॉलरेंस रिक्वायर होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बनाना होता है, तो उसके लिए जो हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन है वो आपको ECM से मिल सकती है, इसीलिए हम ECM का इस्तेमाल करते हैं हाई डिस्क और टर्बाइन रोटर ब्लेड को बनाने के लिए। और कहाँ यूज होता है, इट कैन बी यूज फॉर स्लॉटिंग वेरी थिन वॉल्ड कॉलेट्स, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इंटरनल प्रोन ऑफ इंटरनल कैम, कैम जो होते हैं इंटरनल कैम, उनको इनके इंटरनल प्रोन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सेटेलाइट रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड्स, मशीनिंग ऑफ गियर्स एंड लॉन्ग प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं ECM। ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं मैंने आपको बताया, हाई क्वालिटी आपकी हाई सरफेस फिनिश आपको मिलती है, भले ही यहाँ लास्ट पॉइंट लिखा है लेकिन इससे मत जाइए, लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला केस है यहाँ पर, हाई फिनिश सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होती है, हाई टॉलरेंस आपको अचीव होता है, हाई टॉलरेंस भी आपको इससे मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी मत भूलिए। दूसरा, आपका मशीन कितना भी, इसमें कोई भी टूल आपका वेयर आउट नहीं करेगा, आप कितना भी कॉम्प्लिकेट सरफेस हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो, वो सारी आपकी जनरेट कर देगा, जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाया उससे, कितनी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो वो उस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को प्रोड्यूस कर देता है। अब ये हाई सरफेस फिनिश क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो एटम है मटीरियल, आपका जो इलेक्ट्रोड था जो एनोड पे रखा था वर्क पीस, उससे मटीरियल किस फॉर्म में निकल रहा है, एटॉमिक लेवल पे निकल रहा है, एटॉमिक लेवल पे एटम बाय एटम फॉर्म हो रहा है। Fe2 जो था वो टूट के क्या बन रहा था, Fe2 पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होते थे, तो ये आयंस या आयरन जो है वो एटॉमिक लेवल पे आपका टूट टूट के निकल रहा है उस कंटेनर के अंदर। तो जो एटॉमिक लेवल पे आपका ये डिसोसिएशन हो रही है, जब एटॉमिक लेवल पे एटम क्या है बहुत छोटा है, उससे ज्यादा डिसोसिएशन क्या होगी, कुछ नहीं हो सकती, तो एटम के लेवल पे जाके डिसोसिएशन हो रही है तो आपकी नेचुरली सरफेस क्वालिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और एटॉमिक लेवल पे डिसोसिएशन हो रही है तो आपका MRR जो होगा मटेरियल रिमूवल रेट वो नेचुरली कम होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज जरूर है कि MRR बहुत कम होता है लेकिन आपकी क्वालिटी बहुत हाई प्रोड्यूस होती है, ये इसका एडवांटेज है। और आप कितना भी टूल आपका कितना भी हार्ड मटेरियल हो, कितना भी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, कितना भी उसकी हार्डनेस हो, कितनी भी उसकी टफनेस हो, उस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ता इस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस को, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प से केमिकल रिएक्शन करता है, और मटेरियल कितना भी हार्ड स्ट्रेंथ टफनेस जितनी भी ज़्यादा हो उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, वो किसी भी मटेरियल को कट कर सकता है, और कोई टूल आपका वेयर आउट नहीं करता। हमने देखा डायग्राम में कि वेयरिंग जो हो रही है, जहाँ डिसोसिएशन हो रही है वो सिर्फ एनोड पे हो रही है, कैथोड पे नहीं हो रही है। कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन लेके आपका सिर्फ HR पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आयरन कहीं डिसोसिएट नहीं हो रहा आपका कैथोड पे, तो आयरन जो टूल जो है वो वेयर आउट नहीं करता इसमें, ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, इसको सेटअप करने का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई, इनिशियल कॉस्ट, डिज़ाइन और टूलिंग जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है,
नॉन कंडक्टिव मटेरियल को हम मशीन नहीं कर सकते, सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल को कर सकते हैं। ब्लाइंड होल्स हैं वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। स्पेस और फ्लोर एरिया रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जो आपको एरिया चाहिए इसको सेटअप बनाने के लिए, इसका जो फ्लोर एरिया और जो स्पेस चाहिए वो बहुत ज़्यादा लगता है हमारा इसमें। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है इसमें, को एडवांटेजेस में अगर आप देखें तो बहुत सारे पॉइंट है, वो मैंने यहाँ लिखाए हुए हैं, आप उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे बर्ड फ्री प्रोड्यूस हो जाता है इसमें एडवांटेज है। कोई आपका नो हीट इफेक्टेड जोन है, कोई हीट इफेक्टेड जोन प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ कोई हीट प्रोड्यूस हीट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो हीट जब यूज़ ही नहीं हो रहा तो हीट इफेक्टेड जोन आपका क्रिएट ही नहीं होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपका केमिकल रिएक्शन कराया और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका मटेरियल रिमूव हो रहा। तो हम यहाँ पे कोई हीट टेम्परेचर राइज कर ही नहीं रहे, तो आपका हीट इफेक्टेड जोन यहाँ होगा ही नहीं। तो वो कई सारे पॉइंट्स आपके लिए, कोई कटिंग फोर्स हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ठीक है। और कोई इसमें जब कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो फ्री फ्रॉम फिजिकल और थर्मल स्ट्रेन कोई भी उस पर क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है ना। टेम्परेचर आप राइज कर रहे हैं तो थर्मल स्ट्रेन आएगा ही नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है टूल और वर्कपीस का तो फिजिकल आपका स्ट्रेन उसमें कोई प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाई सरफेस क्वालिटी विद हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेंड विद हाई डायमेंशनल टॉलरेंस। और इसके बीच में जो गैप रखना पड़ता है जनरली, जो ये गैप है वो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इस गैप को जो टूल और वर्क इसके बीच में मेंटेन कर रहा है वो जनरली अप्रॉक्सीमेटली आपका दिखाया कि 0.4 mm के आसपास आप रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट जो है वो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि जो मटेरियल रिमूवल की जो मेथड है, मैकेनिक्स है, वो किस बेस पे है। फैराडेज लॉ जो हमने पढ़ा कि उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो भी आपको क्लियर हो सके। तो इसका डेफिनेशन पार्ट, इसमें कैसे लॉ है, क्या लॉ लगा, वो हम अगले में देखेंगे। थैंक यू।